Assalamualaikum, this is Babar Abbasi. मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. एक छोटा सा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ है जो हम लोग रिसेंटली कराची गए हुए थे, मैं और मेरा दोस्त बिजनेस ट्रिप पे. और वहाँ पे हम लोगों ने उबर और करीम ही यूज़ कर रहे थे थ्रू आउट. तो हम लोगों ने एक राइड बुक करवाई उबर पे और वो ड्राइवर आया. हम लोग उसके साथ बैठे, बैठते ही उसने थोड़ी देर बाद एक कम्युनिकेशन स्टार्ट की कि आज बड़ी रश है मूव एंड पिक पे और वहाँ पे सदर साहब आए हुए और बड़ी जो है वो आर्मी वगैरह खड़ी हुई थी. मैंने लास्ट राइड ड्रॉप की तो उसका सामान भी नहीं निकालने दिया और जो है हम लोग चल पड़े. तो उसकी बॉटल्स पानी की इधर ही रह गई गाड़ी में. हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे. हम लोग बेसिकली सुबह 9-10 बजे से मार्केट्स में घूम रहे थे और रात के 9-10 बज चुके थे. तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग थके हुए थे. हम लोगों ने उसकी बात पे बिल्कुल उस कम्युनिकेशन को आगे लेके नहीं चले, हम लोग खामोश रहे. तो थोड़ी देर बाद ये हुआ कि जब हम लोग काफ़ी आगे गए तो वहाँ पर उसको कॉल आई एक बंदे की और उसने उसको बताया कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से गुजरूँगा, आप फलां जगह पे खड़े हो जाएं और जो आप जो है वो इस जगह पे खड़े हो जाएं, मैं आके रोकूँगा तो आपको कॉल करूँगा और आप आके अपनी बॉटल्स ले जाइएगा. तो खैर हम लोग खामोश रहे काफ़ी देर तक. वो काफ़ी आगे जाके जब उस वो जगह आई वहाँ पर उसने गाड़ी रोकी. गाड़ी रोकने के बाद उसने क्या किया कि उसने उस बंदे को आई थिंक कॉल करने की कोशिश की या फिर वैसे ही अपना फ़ोन उठाया और उसका वेट करता रहा वहाँ पे. तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे कहता है कि मेरे नंबर से कॉल नहीं मिली, काइंडली आप मुझे अपना फ़ोन देंगे, मैंने एक कॉल करनी है. आई सेड नो, मैं अपना फ़ोन मतलब आपको नहीं दे सकता. और फिर उसको मैंने कहा कि यार आप ऐसा करो कि आप चलो आगे हम लोगों को ड्रॉप करो, उसके बाद आप आके जिस भी जगह पर आप बेशक उसको चार्ज कर लेना, आप उसे जो है वो बॉटल्स या वट एवर जो भी है आप उसको दे देना. अब ऐसा हुआ कि हम लोग जब आगे गए और आगे जाने के बाद हम लोगों ने एक जगह ऐसी आती है वहाँ पे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे कि एक चेक पोस्ट आती है वहाँ पे अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है. बेसिकली कॉलोनी थी वहाँ पे एंटर होने के लिए उसको एंट्री करवानी पड़ती है. अपना आईडी कार्ड दे के अंदर गया वो, हमें उसने ड्रॉप किया. जब वो अंदर एंटर हुआ तो उसको आइडिया हुआ कि यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है और मैंने यहीं से गुजरना है. तो वो थोड़ा सा मुंह से बड़बड़ाया कि यहाँ की मुखबरी ना हो जाए. उसकी उस बात पे हम लोगों ने गौर नहीं किया क्योंकि वो बड़बड़ा रहा था. तो वो बिल्कुल उस बात पे गौर नहीं किया. जब हम लोग उतरे तो मैं पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था, उसके पीछे वो बॉटल्स पड़ी हुई थी. तो जब हम लोग उतरे मैंने देखा कि वो तो शराब की बॉटल्स हैं. तो मैं फिर हम लोग जब रूम में गए मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैंने कहा यार वो ये सिनेरियो था और वो ये शराब की बॉटल्स पड़ी हुई थी उसके बीच में. तो फिर हम लोगों ने सोचा कि गेट पे कॉल करें और उसको रोकें. फिर हमने सोचा कि यार ये काफ़ी बड़ा एक इशू बन जाएगा, हम लोग हैं भी दूसरी सिटी में. तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया. बट बाद में जब हम लोगों ने सोचा तो वो एक्चुअली हमें आइडिया हुआ कि वो बेसिकली कोई सेलर था जिसका काम ही ये था कि वो शायद गाड़ी में जो है वो प्रोवाइड करता था शराब लोगों को. और अगर इन केस खुदा ना खास्ता किसी नाके पे किसी जगह पे अगर वो पकड़ा जाता तो उसके पास तो एक बड़ा बहाना था कि मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो आइडिया नहीं है, ये इनकी है. तो उस सिचुएशन में अगर खुदा ना खास्ता हम लोग पकड़े जाते तो वो चीज़ हम लोगों पे आती कि हम लोग शायद कैरी कर रहे थे. तो ये चीज़ बड़ी सीरियस है, ऐसा भी हो रहा है. काइंडली जब भी आप लोग गाड़ी में बैठें, जब भी आप लोग करीम एंड उबर यूज़ करें, मैं किसी सर्विस को डीफेम नहीं कर रहा बेसिकली बिकॉज मेरी अपनी दो गाड़ियाँ यहाँ पे रावलपिंडी में करीम एंड उबर पे चलती हैं, ड्राइवर चलाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग एटलीस्ट गाड़ी में देखें ड्राइवर अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो आप लोग देखें और आप लोग उसको, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर हम लोग वहाँ पे किसी भी नाके पे किसी चेक पोस्ट पे हम लोग अगर पकड़े जाते तो उस ड्राइवर ने कहना था कि ये इनकी हैं,
मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, और फिर उसमें हम लोगों के लिए अपनी जान छुड़ाना अजाब बन जाता, बिकॉज कोई छोटी बात नहीं है, वो 4-5 बॉटल्स शराब की कैरी कर रहा था। तो काइंडली ये सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और लेकिन इनको यूज़ कुछ लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं, काइंडली वो चीज़ आप लोग देखें, और जब भी बैठें बी केयरफुल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।